Hey guys, I'm Arshad Krishna and you're watching the Adventure Kids. So, आप लोग ने पहले वाले शॉट में देखा कि हर एक बंदा यहाँ से निकल गया. अभी बस मैं और राइडन बचे हैं. We are riding back home. So, राइडन कितना पैकिंग हुआ है? एक्चुअली हम लोग ने जो मेजर बैग्स है वो कल रात को ही पैक करके बाइक पे रख दिया. एंड द टाइम नाउ इज एक्चुअली 4 in the morning. एंड मेरा बस एक टॉप बॉक्स लगना बचा है एंड टैंक बैग जस्ट स्लाइड इन एंड वी आर डन. आज इसके नाम पे हम रहने वाले जिंदा. सो यार दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाई रेडबुल, डोंट टेक मी रॉन्ग. और यहाँ का एक्चुअली बोलना भूल गया कि यहाँ पर जो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठता है ना, एकदम फुल टू फुल 99% साइड कटआउट है उसका, आदित्य रॉय कपूर. तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे क्या प्रैंक कर दिया इंस्टाग्राम पे, लोग सच्ची का मान रहे. अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम जाके नहीं देखा है तो जाके देखो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @HK_AdventureKid. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इमेज आ भी गया रहेगा. एंड एक्चुअली येस, ही लुक्स लाइक आदित्य रॉय कपूर. वो भी आ गया, अभी मैं नहीं बोलूँगा, बट सो स्वीट. रिसोर्ट बाय शंकर, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा. इट वॉज अ लवली स्टे हियर एंड लेट्स गो. फ्यूलिंग तो कल हो चुका है, नथिंग मच. चले चले यार, लेट्स गो. सो यप, बाइक हैज बीन स्टार्टेड. मून राइट देयर. इट्स 4:39, 4:40 इन द मॉर्निंग बेसिकली. एंड यप, वी आर स्टार्टिंग अ राइड टू होम विच इज शोइंग अस 539 किलोमीटर्स. 3:30 तक पहुँचेंगे दिखा रहा है. 10 hours 48 minutes का रास्ता. The thing is, we are taking a new route today. We are going to Kankavli, Anushkara Ghat basically, जो है हम लोग वो रास्ता ले रहे हैं. So यहाँ से Anushkara Ghat एक 3 hours approximate है. चिनमय जब गया था 2 दिन पहले तो उसने भी बताया भाई रोड्स बहुत अच्छे हैं. अम्बोली घाट नहीं लेना है बिकॉज अम्बोली घाट में रास्ते बहुत ख़राब है यार, वो रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं लेना है अभी. तो लेट्स गो गणपति बप्पा मोरिया, टेक केयर. आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन गुड लाइट्स. Because the routes like these, you have to be like, trust your headlights, trust your auxiliary lamps, everything. Amazing man. Like literally, मैं तो floodlight लेके घूम रहा हूँ, ऐसा वाला feeling आ रहा है. पूरा road lit up कर दिया है. Camera में वो justice कर पा रहा है कि नहीं, I don't know. But yeah. जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ जितना ही दूर तक मेरी लाइट देख सकती है. एंड वी आर नॉट रशिंग मच. एंड एक्चुअली थोड़ा राइड शुरू होने के बाद ना, एक स्टार्टिंग का इनिशियल जो टाइम रहता है, यू नीड सम टाइम टू सेटल डाउन ऑन टू द बाइक. बाइक का लगेज भी थोड़ा सेट होता है. एक दो बार अच्छा बम्प में गया ना तो आपका लगेज सेट हो जाता है, आप भी सेट हो जाते हो. एंड सेम थिंग एक्चुअली पीछे बोर्ड दिखा है दैट एलिफेंट क्या ड्राइव सेफ एलिफेंट क्रॉसिंग करके. व्हाट अ रूट मैन. आई डोंट नो कैमरा में जस्टिस हो रहा है कि नहीं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू व्हिच इज सेटल्ड ऑन द रोड राइट नाउ. एंड पूरा फॉग जैसा दिख रहा है. इन द क्लियर वाटर्स आर वर्किंग एट इट्स लेवल बेस्ट. एंड स्पेशली मैंने एक येल्लो डाला है, एम्बर वाला लाइटिंग. सो उसके वजह से हमें फॉग में दिक्कत तो नहीं हो रही. आई डोंट नो समझ रहा है कि नहीं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब पूरा फॉग ड्यू पूरा नीचे को सेटल डाउन है एंड इट लुक्स अमेजिंग. वाओ. तो बेसिकली कोस्टल रोड ले लिया है, जस्ट मेंटेनिंग अ गुड पेस ऑफ 80-90 बिकॉज यू नेवर नो कौन सा खड्डा कहाँ से आ जाए, इसलिए आराम से जा रहे हैं, कोई घाई वाई नहीं. आई डोंट नो कैमरा में समझ रहा है कि नहीं बिकॉज इट वुड बी एडजस्टिंग इटसेल्फ, बट द अमाउंट ऑफ फॉग यू हैव is like next level wala fog hai bhai. Oof. Literally it is fuming here. Bhai saab, wah. Oof.
देखो भाई साहब, चारों बाजू कोरा ही कोरा। भाई क्लियर वाटर काम कर रहा है यार आज, कुछ भी बोलो क्लियर वाटर जो काम कर रहा है ना आज, क्या बताऊं मैं। वाओ क्या देखूं यार मैं, क्या देखूं। Oh my God! Wow! It feels so unreal. So actually जो coastal road से right आता है वो हम लोग ने ले लिया है, जाएगा ये रास्ता जाएगा पूरा कोकरूड ये सब पूरा क्रॉस करके, यू विल बी जॉइनिंग फ्रॉम सतारा टू द एक्चुअल मेन हाईवे। ये दिस इज स्टेट हाईवे 155 एंड या द स्पीड्स हैव ड्रॉप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉग एंड विजिबिलिटी थोड़ा लो हो चुका है, बट वी आर मेंटेनिंग अ गुड पेस ऑफ अ सेफ पेस ऑफ लाइक 60, अभी तो 45 है फिलहाल। दिस इज ब्यूटिफुल एंड इट फील्स सो अनरियल ब्रो। I can't man. Can you feel the water? Yes. It which is bro, condensed niche niche. Bro, next level hai bro. This is coastal road. ये coastal road है. ये left वाला. Okay. अपने को ये लेना है. अगर वो घाट से जाना है तो. हाँ, घाट से जाना है. It is state highway 155. Bro, एक second, I just wanna take a picture. सो बेसिकली मैं ऐसा चंपू बना पड़ा हूँ, बट सब छोड़ो ये देखो भाई। ए यार बट अभी फॉग कम हो गया बे। हाँ फॉग तो कम हो गया बट आई मीन इट्स स्टिल। सो जस्ट अभी प्रोटीन बार खाने के लिए रुके तो थोड़ा भूख लग रहा था एंड इट इज सो अनरियल, दिस फील्स सो 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 अनरियल। सी अगर कार आ रही है, वी आर हैविंग आवर प्रोटीन बार एंड आई होप आपने सिनेमैटिक शॉट में देखा कि वो फॉग कितना डेंस है, तो पूरा वो दिख रहा है आपको वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड अगर मैं बताऊं वैसे ही तो ये देखो कितना कितना कितना, सो दैट इज द लेवल ऑफ फॉग विच वी आर फेसिंग राइट नाउ। हा हा हा, पूरा मेरा गोप्रो भी गीला हो गया है बॉस। हेलमेट एवरीथिंग एवरीथिंग। हा बस नेचर के बीच में लेट्स एंजॉय द प्रोटीन बार। तो एक्चुअली जस्ट अभी एक पोलराइड फोटो निकाला है, यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, वन इज दिस फ्रेम एंड वन इज दिस फ्रेम जहाँ पर मैं खड़ा था। एंड यस इट इज शोइंग 8 hours 24 minutes घर के लिए, 3:12 को पहुँचेंगे। हाउ इज द राइड सो फार? गॉर्जियस, एथेरियल, आई हैव नो वर्ड्स, जस्ट बीन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। क्यों साफ कर रहा है ब्रो तू अभी? दिस इज मेकिंग मी कंसिडर डूइंग गोवा अगेन। Even I said I wouldn't the first time, but yeah. Especially from this route. Yeah, this route. Not the Amboli Ghat wala route. So far, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, because जब-जब ऐसा हो जाता है कि जब-जब बोलता हूँ कि routes अच्छे हैं और तब अचानक से ये हो जाता है, but so far best routes जो Amboli Ghat नहीं भाई। ये route अगर आप लोग try कर रहे हो गोवा जाना है या गोवा से आ रहे हो, तो do कौन सा वाला रास्ता है ये? कंकवली वाला, कंकवली अनुष्करा घाट, या अनुष्करा ना, अनुष्करा, हाँ अनुष्करा घाट, डू इट। मैं आई थिंक इसका सेम जो भी है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ये रूट प्रेफर करना, बहुत प्यारा रूट है। सही है ब्रो, ये तो डार्क हो गया, मैं अपने आप को रिफ्लेक्टर से पहचान पा रहा हूँ। आई थिंक जितना मेरे को लगता है ना, 2019 में आई टुक दिस रूट, 2019 में व्हेन आई वाज राइडिंग बैक विद तबीश भाई, अगर वो टाइम पे राइडर मेनिया का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, मैं राइड कर रहा था वापस सोमा पे था मैं, दैट्स माय हिमालयन इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, सो आई हैव नेम्ड माय हिमालयन सोमा। सो मैं सोमा को लेके यही सब रूट से गया था, क्योंकि कुछ कुछ जगह देखने के बाद मेरे को लगता है ये वो जगह है, तो आई डोंट नो, एक ये जो पानी वाला जो आ रहा है वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है वो वही है, क्योंकि वहाँ पर नीचे आने के बाद एक लेक था जहाँ पर हम लोग रुक के फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचे थे। इफ़ पॉसिबल आई विल ऐड दैट फ़ोटोज़ इस पे डिस्प्ले पे, अगर आपको दिख जाएगा, द कैमरा वोंट डू द जस्टिस, मतलब आपको बस 30% ही दिख रहा होगा जो मैं देख रहा हूँ, सोचो उस हिसाब का है वो चीज़। वाह, सनराइज हो चुका है, सनराइज लुक्स ब्यूटीफुल, ओहो सनराइज क्या दिख रहा है बॉस, जस्ट इसके पीछे हुआ है सनराइज, तो आई एम वेटिंग जहाँ पर थोड़ा स्काई क्लियर होगा, मतलब ट्रीज कम होंगे वहां से हमें सनराइज दिख जाएंगे, एंड यहाँ पर हमें दिख सकता है सनराइज। वाओ लुक एट दैट, That is the sunrise. Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Wow. It is so unreal, man. So unreal. आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैप में देख रहे हो रोड भी ऐसे जा रहा है, बाजू से रिवर भी ऐसे जा रहा है। वाओ, सो दिस इज द महाराष्ट्र चेक पोस्ट, रत्नागिरी, बेसिकली रत्नागिरी महाराष्ट्र पुलिस के अंडर है ये, एंड यहाँ से आपका शुरू होता है स्टेट हाईवे 150, दिस इज बेसिकली द अनुष्कारा घाट। भाई ये क्या है, वाओ बहुत ज्यादा हवा है यार, बहुत ज्यादा हवा है। पेट्रोल के लिए भी रुकेंगे 4 किलोमीटर में, बस स्टोरी वोरी के लिए रुके थे, हर टर्न पे एक अलग ही व्यू दिख रहा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि इधर भी रुकना है उधर भी रुकना है, बट मन मार के जाना पड़ रहा है।
यहाँ पर हो गया फोटो सेशन, स्टोरी वोरी निकाल लिया। ठंडी सी हवा, धूप, मजा आ रहा है यार। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। What? Wait, what? What? It is 20 degrees Celsius and all of a sudden it has turned like this. Oh God! क्या हो रहा है ये? ये देखो, यहाँ से कोल्हापुर 61, कराड is 91 and Coke Road is 51. Oh God! अचानक से हम लोग पहाड़ चढ़ते कहाँ फॉग में आ गए? What is this? What is this? I mean seriously, God. Wow. So अभी actually एक मिनट में हम रुक जाएंगे, 100 meter में है fuel pump. वहाँ पर रुक के shit. भाई ऐसे जगह पे कैसे? अंकल पेट्रोल पंप आए का? कितनी पुड़े? 15-20 किलोमीटर आए पक्का ना? वो टर्न पे पेट्रोल पंप है बताए कुटे? घर पे क्या? अच्छा वही दिखा रहा है तो फिर ये क्या करना है? सो वहाँ के पीछे लोकल्स बता रहे थे कि 30 किलोमीटर्स में आपको एक फ्यूल पंप मिलेगा वहाँ पर। सो 30 किलोमीटर्स वी आर ओके टू गो, मेरा कुछ इशू नहीं है, बस राइडिंग का मेरे को टेंशन है बिकॉज GTN इंटरसेप्टर में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अचानक से फ्यूल का ना लेवल आपको बहुत लो दिखा देता है, तो इस थोड़ा सा टेंशन जो है वही है। सो यस, फॉर द नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स वी आर राइडिंग अगेन, वहीं पर जाके हम लोग लेंगे फ्यूल ब्रेक। A few inches later. So, ये गांव का नाम क्या है भैया? मांजरे। So, we are in मांजरे and यहाँ पर इसके गाड़ी के लिए for a safe side हम लोगों ने 2 लीटर पेट्रोल लिया। 1 लीटर is for 120 rupees and यहाँ से आगे 25-30 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है। 120? Yes. You are in Leh Ladakh. You are in Leh Ladakh. 120 with lots of PR. है ना? है ना? है ना? Engine plan is taking only 1 liter. I am suggesting him to put 2 liters, but I don't know why this guy is thinking about it. अरे bottle touch कर दिया अभी। हाँ। कराड और हम रुक गए हैं त्रिकाया करके एक होटल में, फाइन डाइन एंड कैफे है बेसिकली। यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है 2 कीमा पाव। सो हाउ इज योर राइड गोइंग सो फार? ब्यूटीफुल। वी वेंट अ लिटिल ऑफ ट्रैक बट दैट वाज कंप्लीटली वर्थ इट। वी मेट 2 पपीज, उसमें से एक नटकट था साला। बट मेरे को सबसे ज्यादा ना इसका चेहरा तब देखने में मजा आया जब ये 1 लीटर पेट्रोल ले रहा था। सो यार टाइगर इज परफॉर्मिंग, आई मीन सिद्धा इज परफॉर्मिंग अल्टीमेट। वी हैव रेड बुल विद अस, या ऑल द वे फ्रॉम गोवा है। सो अभी खाएंगे। सो दिस इज आर प्रॉपर ब्रेकफास्ट फॉर नाउ एंड यस राइड इज गोइंग अमेजिंग। बीच में हमें वो गूगल मैप्स के बिना चलाने की आदत नहीं रही यार, अभी वी हैव टू डू दैट। या बट वी डिड अ गुड जॉब विद द नेविगेटिंग विद द लोकल्स एंड टेकिंग हेल्प विद द लोकल्स एंड ऑल स्टफ। मजा आ गया एकदम, मजा आ गया एंड आई होप यू लाइक द ड्रोन शॉट्स एज वेल। मजा आया ना? ओह यस। ओह टाइमिंग। यस। चल।
Thank you. So keema is here, bread is here, pav nahi tha kyunki. So fir keema, bread, Red Bull, sorted. सर अगर बॉम्बे जाना है तो कैसे? कुछ नजर है ना, क्या हुआ सर इधर? समझा नहीं क्या हुआ क्या? VIP मूवमेंट. सर बॉम्बे के लिए कैसे? अभी बॉम्बे के लिए यह रूट नहीं, अभी बंद किया है, उसके बाद में VIP मूवमेंट चल रहा है उसके बाद. सर वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसके ऊपर से निकल जाना है. कहाँ? इसके ऊपर से. पता होगा तो चलिए चलो. गिव मी अ सेकेंड सर. मुंबई सर रास्ता बंद है. सही बात है. पीछे वो पुलिस वाले बोल रहे कि एक्सप्रेसवे अभी कनेक्ट कर लो करके. एक्सप्रेसवे इधर जाके ऊपर देखो तो एक्सप्रेसवे है ये, इधर से जाओ छोड़ दिया तो देखो आप. ठीक है सर. सर नीचे पुलिस वाले ने बोला कि टोल लेने के लिए. एक्सप्रेस से इधर अलाउड नहीं है. उन्होंने आगे VIP मूवमेंट चल ले तो आपको रुकना पड़ेगा एक आधा घंटा. Shit, यार, what the fuck, man? नहीं सगळंच बंद आहे. लँडिंग झालं आता इथे. लोकल नाही हो, रस्ता गावातला रस्ता पूर्ण बंद आहे. सर तो फिर मुंबई हाँ सर. सर वो नीचे पुलिस वाले बोल रहे थे टोल लेने, ये अलाउड नहीं रहेगा तो फिर. हाँ हाँ जाएंगे तो एक्सप्रेस है, उससे फोर व्हीलर जाती उधर. एक्सप्रेस पे टू व्हीलर अलाउड नहीं. ठीक है सर. राइट. आ सकता है और डैश बीच दिया तो आपकी जिम्मेदारी. ठीक है सर. राइट. तो एक आधा घंटा तो लेफ्ट साइड में होटल में जाकर चाय पानी ले लो, होल्ड करो फिर निकल जाओ. ठीक है सर. राइट. थैंक यू. तो VIP मूवमेंट की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया. तो बाइकर्स कांट गो. बाइकर्स को बोल रहे हैं कि एक दो घंटा साइड में रुक जाओ, जब VIP मूवमेंट क्लियर हो जाएगा सब हो जाएगा. कुछ कुछ पुलिस वाले बोल रहे हैं शाम के 7 भी बज सकते हैं. आई हैव नो क्लू. राइडन गया है पुलिस वाले से बात करने. एक्सप्रेस जो नीचे वाले साइड पे पुलिस वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि आप जाओ एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लो, बट एक्सप्रेसवे जैसे ही चढ़ते हैं वहाँ पर वो बोल दे रहे हैं कि नहीं नहीं बाइक्स अलाउड नहीं है, हम नहीं भेज सकते, आप साइड नीचे जाके रुकिए. तो वी हैव नो क्लू. राइडन आएगा तो मालूम पड़ेगा क्या सीन है. अंडर बाइक्स ओवर हियर एंड वेटिंग की क्या करना है. सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाइकर्स इधर ही रुक गए हैं. नो प्लान. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अगर पूरा ब्लॉक कर दिया है तो अगर कुछ इमरजेंसी है तो क्या करेंगे. आई डोंट नो गाइस. ओनली इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द बाइकर्स और जो भी नीचे उतरे उनके लिए प्रॉब्लम है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो हम आ गए खारघर और यहाँ से राइडन इज गोइंग बैक. अगर 360 वीडियोस पसंद आया तो लाइक करना, अगर ड्रोन का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट ऐसे आते रहेगा. आई विल मीट हिम सून. और यहाँ से राइडन इज गोइंग माइम के साइड पे. इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. हाउ इज द नया रूट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो एज ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्ट्रीट्स, राइड विद प्रोपगेट्स एंड चेज योर ड्रीम्स. आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड देन बाय बाय. टेक केयर. गोवा एडिशन खत्म. नया रास्ता एक्सप्लोर्ड एंड फाइनली डन. ये चल भाई संभाल के जा.